कर्मचारी सभा बिलासपुर के द्वारा आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर के पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में माता कर्मा देवी के शैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। समाज के द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। भक्त माता कर्मा जयंती कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2015 से प्रारंभ किया जा रहा है, जो कोरोना महामारी के कारण बीते कुछ वर्षों से आयोजित नहीं किया गया था। कार्यक्रम में समाज के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए गिफ्ट वितरण किया गया, जिससे बच्चों को समाज के प्रति जागरूक कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति से अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम में रेलवे के समस्त साहू समाज के कर्मचारी ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। आज कर्मा माता जयंती समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो बहनें हैं, वो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेहंदी सजाओ, सलाद सजाओ और पेंटिंग्स वगैरह के जो कार्यक्रम उनके बहाने किए हैं, और इसके माध्यम से सभी जो हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको अवसर मिलता है, अपनी मंच मिलता है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और माता कर्मा का ये संदेश ही है कि हम हर एक परिस्थिति में समाज को संघर्ष करते हुए आगे ले जाएं। इस जयंती समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता था, लेकिन कोरोना के कारण कुछ वर्षों से अवरोध हुआ, इस वर्ष फिर से हुआ है। पूरे आयोजन समिति को, जो रेल कर्मचारी सभा है साहू समाज के, और हमारी मातृशक्ति है महातारी, जो जय माँ कर्मा महातारी शक्ति, ये सब मिल करके इस आयोजन किए हैं। सभी पदाधिकारियों को और समाज को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। भक्त माता कर्मा जयंती समारोह हुआ थे, और ये हमार तैलिक कुल देवी है, आराध्य देवी हमार साहू समाज के, एक कार्यक्रम हुआ थे। ये कार्यक्रम के माध्यम से हमन हाँ समाज के लैका मल्ला, महिला मल्ला, हमार परिवार ला साहू समाज के उकर मन के जेन है एक प्लेटफॉर्म हमन मतलब तैयार करे हैं। हमन रेल कर्मचारी परिवार है, तो साहू रेल कर्मचारी सभा और महतारी शक्ति, जय माँ कर्मा महतारी शक्ति, जेन अभी 21वीं सदी में महतारी शक्ति के सशक्तिकरण जेन चलत है, ओकरे तहत जेन है कार्यक्रम के आयोजन के जेन पूरा जिम्मेदारी है हमार महतारी बहनी मन उकरे द्वारा मतलब आयोजित है। हमू मन परोक्ष रूप से सहयोग करा था। तो ये का है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सलाद सजाव है, ड्राइंग पेंटिंग, लैका मन के छोटे छोटे गीत गजल चुटकुला, ऐसे बहुत सारा जेन कार्यक्रम है, एकर माध्यम से लैका मन के जेन है व्यक्तित्व विकास और आने वाला उमल्ला जेन है समय में उमल और आगे अच्छा से बढ़ सके उमल्ला प्लेटफॉर्म दे बर ये कार्यक्रम ला करे बर हमन है। ये 2015 से हम ये कार्यक्रम ला संचालित करा था, लेकिन पिछले 2-3 साल से जेन है कोरोना महामारी वैश्विक आपदा के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो पाए रही से, तो ये दरी जेन है ये नया रूप में महतारी शक्ति मन के द्वारा जेन है ये कार्यक्रम ला आगे बढ़ाए बर हमन है, हमार महतारी बहनी मन ला आगे करे हन हमन है, और उकरे द्वारा जेन है मुख्य रूप से जेन है उकर मन के योगदान है, अमूल्य योगदान है, और मन बधाई के भी पात्र है। उमन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई, उमन ला हमार समाज के जतका भी हमार रेल कर्मचारी परिवार है उमन ला भी बहुत बहुत बधाई और उनकर मन के आभार, अभिनंदन, स्वागत सब कुछ परमन। युवराज कुमार साहू और अध्यक्ष रेल कर्मचारी साहू सभा। भक्त माता कर्मा की जय। बड़ा आज खुशी के दिन है कि आज हमन रेल कर्मचारी सभा द्वारा भाई बहनी के सहयोग से सब मिलजुल के भक्त माता कर्मा जयंती मनात हन, और ये परंपरा जो हमन 2015 ले चालू करे हन प्रतिवर्ष मनात हन, लेकिन बीच में कोरोना काल होए की वजह से हमारे लिए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक परंपरा ला हमन फिर जागरूक करे पर फिर शुरुआत के पर फिर एक कार्यक्रम ला प्रारंभ करे हैं, और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम ला हम हमेशा सुचारू रूप से चलाए हों। एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बहुत सारे भाई बहनी, हमारे छोटे छोटे बच्चा मन जो हवा इमन ला भी उनका भविष्य के बारे में सोचना है, और ओके उद्देश्य ला लेके हमारे कार्यक्रम करथन, और एमा एक अच्छा सहयोग से रहे, सबके सहयोग रही तो हमारे बच्चा माला वही बच्चा माला अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिली, ऐसे करके ये कार्यक्रम हम आयोजित करथन। और कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, खास करके महिला मन पर भी कार्यक्रम रखे रहन, जिनमें हम दिन भर अच्छा इंजॉयमेंट करथन और हर्ष उल्लास के साथ ये कार्यक्रम ला मनाथन। मैं संजय साहू, भक्त माता कर्मा ग्रुप
संस्थापक एवं संयोजक। आज भक्त माता कर्मा जयंती हमारे सबो रेलवे कर्मचारी भाई बहनी मन मिल के मनाते हैं। ये बहुत कम समय मिलते ऐसे अवसर आते जब हम सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन यही साहू समाज के एक कार्यक्रम ही होते जेक माध्यम से सब हम इकट्ठा होकर के छोटे से कार्यक्रम रखते हैं। और इस साल कहा गया है कि 21वीं सदी नारी सदी, तो 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, तो 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य को नारी जब तक अपने आप को आगे नहीं लाएगी तब तक के उज्ज्वल भविष्य आएगा ही नहीं। तो इसीलिए सभी नारी लोग नारी शक्ति को आगे ला करके आगे लाया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण का दिवस अभी मतलब समय है, तो सभी नारी शक्ति को आगे लाएंगे तभी हमारा उज्ज्वल भविष्य होगा, इसलिए यह सब कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं योगिता साहू अध्यक्ष बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।